गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ विंटर्स के लिए स्पेशल वाला मिक्स भजिया का प्लेटर। ये जो प्लेटर है इसमें हम लोग बनाने वाले हैं प्याज के पकौड़े, मिर्ची के वड़ा, साथ ही साथ गोभी के पकौड़े और आलू के पकौड़े। तो फिर चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं आज का ये वीडियो। तो ये प्लेटर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ना गोभी को मैं ऐसे बड़े बड़े पीस में कट करके रखी हूँ। साथ ही साथ मिर्ची का जो बड़ा बनाएंगी उसके लिए मैं यहाँ पे हरी वाली जो मिर्च होता है जो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होता है उसको ऐसे बीच से स्लिट लगा देंगी और उसके अंदर जितना भी सीड्स होता है ना उसको निकाल देंगी। आलू का पकौड़े बनाने के लिए आलू को एकदम पतला पतला कट करके इसको ना पानी में ही सोख करके रख दीजिए। बॉइल्ड आलू लेना है मसाला बनाने के लिए। साथ ही साथ प्याज के पकौड़े के लिए प्याज को ना एकदम फाइनली स्लाइस कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गोभी को उसको थोड़ा सा उबाल देंगे। तो उसको उबालने के लिए मैं यहाँ पे पानी के अंदर थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल के इसको अच्छे से उबाल देंगे एक बार। उसके बाद जो सारा जो गोभी था ना कट करके रखे थे उसको ऐड कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए इसको बस हल्का सा स्टीम देना है। ज़्यादा हम लोग इसको उबालेंगे नहीं, जो नहीं तो हमारा जो गोभी का जो पकौड़ा बनेगा ना वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं हमारा जो गोभी है ना वो हल्का सा पक गया है। तो अभी हम लोग इसको निकाल के साइड में रख देंगे। तो अभी हम लोग मिर्ची वड़ा के लिए सबसे पहले हम लोग आलू का मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा तेल को अच्छे से तरीके से गर्म कर लेंगे, उसके अंदर ऐड कर देंगे जीरा। जब जीरा अच्छे से चटक जाएगा उसके अंदर ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। उसके साथ साथ ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको ना 1 सेकेंड के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छे तरीके से भूनने के बाद ना इसके अंदर सारे सूखे मसाले ऐड कर देंगे। तो मसाले के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हल्दी का पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा धनिया का पाउडर। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और फटाफट ही इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, नहीं तो हमारा जो मसाला है वो जल जाएगा। तो अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे, 1 से 2 मिनट का ही टाइम लगेगा। जैसे ही सारा जो पानी था मसाले का वो एवापोरेट हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग जो बॉइल करके आलू रखे थे उसको ऐड कर देंगे और मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आलू और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद ना इसको भी अच्छे तरीके से पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 से 4 मिनट के बाद आप लोग देख ही सकते हैं हमारा जो मसाला है ना वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और इसके अंदर कोई भी मॉइस्चर नहीं है। तो हमारा जो मसाला है आलू का मसाला वो एकदम तैयार हो गई है। आलू मसाले के बाद अभी मैं आप लोग को दिखाने वाली हूँ प्याज पकौड़ा का मिक्सचर। तो उसके लिए मैं पहले से ही प्याज को बारीक काट करके रखी थी, वो आप लोग के साथ शेयर की थी। उसके अंदर ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, साथ ही साथ ऐड कर देंगे 4 से 5 बड़ा चम्मच बेसन। यहाँ पे ना पकौड़ों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्रंची बनाने के लिए मैं थोड़ा सा चावल का आटा यूज़ की हूँ। तो यहाँ पे चावल का आटा मैंने 2 बड़ा चम्मच यूज़ की हूँ। उसके बाद ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। साथ ही साथ ऐड कर देंगे 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे तरीके से अपने हाथों से मसल मसल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे ना थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे और इसको ना एक अच्छे तरीके से एकदम डो जैसा एक बना देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं प्याज के अंदर ना सारे मसाले अच्छे तरीके से कोट हो गई है। इसको अभी हम लोग साइड में रख देंगे और हमारा जो बाकी दूसरा जो सब्जियाँ हैं जैसे मिर्ची हो गया, उसके बाद आलू हो गया या फिर गोभी, उसको फ्राई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा वाला बैटर बनाते हैं। तो वो बैटर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 बड़ा कप बेसन ली हूँ। उसके साथ ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार
नमक, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम लोग पानी ऐड कर देंगे, इसको ना अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। इसके अंदर ना हम लोग कोई बेकिंग पाउडर या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको अपने हाथों से अच्छे तरीके से फेंट लेंगे ताकि जब हम लोग फ्राई करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बने और काफ़ी सॉफ्ट भी बने। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैं स्पून से पहले कर रही थी लेकिन वो ठीक से हुआ नहीं, तो स्पून को छोड़ के मैं अपने हाथों से अच्छे तरीके से इसको फेंट ली हूँ जब तक इसके अंदर जितना भी लम्स वगैरह था ना वो एकदम ख़त्म ना हो जाए। और बैटर को ना थोड़ा सा ठीक रखेंगे और इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, सिल्की है और इसमें हम लोग जो पकौड़े भी बनाएंगे ना वो काफ़ी ज़्यादा एयरी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और एकदम मज़ेदार बनेगी। तो अभी हम लोग हमारा जो बॉईल किया हुआ जो गोभी था ना उसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा या फिर आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऐड कर देंगे, 1 से 2 बड़ा चम्मच, साथ ही साथ थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर और थोड़ा सा नमक। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे और साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे हमारा पकोड़ा या फिर भजिया का ना सारा प्रिपरेशन ख़त्म हो जाता है। तो फिर चलिए इस सारी चीज़ों को फ्राई करने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में अच्छे तरीके से तेल ऐड कर देंगे और इसको ना तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम में ही। यहाँ पे पकोड़े को फ्राई करने के लिए मैं सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो सरसों के तेल के बदले रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो तेल है वो भी गर्म हो रहा है और सबसे पहले हम लोग फ्राई करने वाले हैं प्याज के पकोड़े। तो फिर चलिए जल्दी से ऐड कर देते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे, जो डो बनाए हैं प्याज का वो लेंगे और इसको मैं ऐसे नीचे ऐसे ड्रॉप करके इसका मस्त वाला भजिया फ्राई कर लेंगे। तो जब आप फ्राई करेंगे ना आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका जो टेम्परेचर है गैस का फ्लेम को एकदम मीडियम ही रखिए। अगर हाई में रख देंगे तो फिर आपका जो पकौड़ा है वो बाहर से तो एकदम गोल्डन ब्राउन आ जाएगा लेकिन अंदर से एकदम कच्चा रह जाएगा। या फिर आप अगर लो में भी रखेंगे ना तो आपका जो पकौड़ा है वो पूरा तेल सोख कर लेगा। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट के बाद दोनों तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अभी हम लोग निकाल के साइड में रख देंगे। इसी तरह हमने सारा प्याज को पकौड़े को फ्राई कर लेना है। तो प्याज के पकौड़े के बाद अभी हम लोग फ्राई करने वाले हैं अपना गोभी के पकौड़े। तो गोभी को ना हम लोग पहले से ही कोट करके रखे थे चावल के आटे में, उसको डाल देंगे हमारा जो बैटर था ना बेसन वाले में, उसमें अच्छे तरीके से कोट करके ना तेल के अंदर ऐड करके इसको भी एकदम गोल्डन ब्राउन या फिर क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे गोभी के पकोड़े को फ्राई होने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, कम से कम आपको 6 से 7 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको फ्लेम एकदम मीडियम पे ही रखना है। तो यहाँ पे 4 से 5 मिनट के बाद ना हम लोग वो जो गोभी का पकोड़ा है ना उसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसको एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको कुक कर लेंगे या फिर फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो ये सारे भजिया को आप एयर फ्रायर के अंदर भी बना सकते हैं। तो टोटल 7 से 8 मिनट के बाद आपका जो गोभी का पकौड़ा है ना वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, उसको निकाल देंगे, साइड में रख देंगे और उसी तरह सारे गोभी के पकौड़े को फ्राई कर लेना है। तो आलू पकौड़ा बनाने के लिए हम लोग जो स्लाइस करके जो आलू रखे थे ना उसको भी वही सेम बैटर के अंदर ऐड करना है और उसको अच्छे तरीके से कोट करके गर्मा गर्म तेल में इसको भी फ्राई कर लेना है। तो आलू को पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, कम से कम 5 मिनट के अंदर ही, 4 से 5 मिनट के अंदर आपका जो गर्मा गर्म आलू का पकौड़ा है वो बन के एकदम तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे ही आप लोग आलू का पकौड़े को तेल के अंदर डाल रहे हैं ना वो कितना मस्त एकदम गुब्बारे के जैसे फूल के ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग इसको एक एक करके पलट देंगे और इसको अच्छे तरीके से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे।
यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं हमारा जो आलू है ना वो एकदम गुब्बारे के जैसे फूल के तेल के ऊपर आ गया है। और इसका जो साइन होता है इसका मतलब ये होता है हमारा जो पकोड़ा है वो एकदम रेडी हो चुका है। इसको निकाल के अभी हम लोग साइड में रख देंगे। मिर्ची का बड़ा बनाने के लिए हम लोग जो आलू का जो स्टफिंग बनाए थे ना उसको अभी हम लोग भर देंगे हमारे मिर्ची के अंदर। तो यहाँ पर मेरे को ज़्यादा आलू का मसाला अच्छा लगता है मिर्ची के साथ यहाँ पर, इसलिए मैं एकदम भर भर के दे रही हूँ। अगर आपको कम करना है तो आप कम भी डाल सकते हैं, ये एकदम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने मिर्ची का वड़ा को कितना फील करना चाहते हैं। तो इसी तरह हम लोग ना सारी जो मिर्ची है उसके अंदर एकदम अच्छे तरीके से भर लेंगे। मिर्ची को अच्छे तरीके से आलू से भरने के बाद अभी हम लोग इसको ऐड कर देंगे हमारा जो बेसन का बैटर है उसके अंदर, और इसको ना चारों तरफ से अच्छे तरीके से कोट कर लेना है। इसको हम लोग ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे, एकदम पतला रखेंगे। तो जब हमारा जो मिर्ची है वो अच्छे तरीके से कोट हो जाएगा उसको ना ऐसा रख देंगे ताकि जितना भी एक्सेस है वो एकदम ड्रिप आउट हो जाए। उसके बाद एकदम गर्म तेल में इसको ऐड कर देंगे, और इसको ना पकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है इसीलिए आप एकदम पेशेंस के साथ इसको फ्राई कीजिएगा। 4 से 5 मिनट टाइम लग जाता है एक तरफ से पकने के लिए। जैसे ही 5 मिनट होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मिर्ची वड़ा है उसको फ्राई करने के लिए कम से कम हम लोग को टाइम लग गया 10 मिनट, और हमारा जो वड़ा है वो एकदम गोल्डन ब्राउन होकर एकदम रेडी हो चुका है। तो ये सारे पकोड़े को मैं सर्व की हूँ केचप के साथ, आप चाहें तो धनिया पुदीना का चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। है ना ये मिक्स भाजियों का प्लेटर बहुत ही ज़्यादा इजी और सिंपल। तो फिर जाइए जल्दी से इसको बनाइए और सबके साथ एंजॉय कीजिए। सो होप यू आर लाइक दिस वीडियो, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।